Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. और again आप देख रहे होंगे आज Naukri.com लिखा है और हम करने वाले हैं जॉब सर्च. यस, सामने ही जॉब सर्च करके मैं दिखाऊंगी आपको. मैंने बहुत ही ईजी तरीका दिखाया है, आपको किसी पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी पे डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपने ये सीख लिया है कि हम कैसे जॉब्स ढूंढ सकते हैं, नौकरी टाइप कर दिया और उसे एंटर कर दिया और अब हम आ गए हैं कहाँ पे, यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे जॉब्स यू मे बी इंटरेस्टेड इन लिखा है. और यहाँ पे देख रहे होंगे आप एचआर जर्नलिस्ट, नॉन आईटी रिक्रूटर, आईटी रिक्रूटर, इसी टाइप की जॉब्स आ रही हैं क्योंकि मैं यही जॉब सर्च करती रहती हूँ, यही सारे जॉब्स के सेशन बनाती हूँ, इसलिए ये यहाँ पे आ रही हैं. इसमें वरिड होने की बात नहीं है कि आपके यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं, राइट? अगर आप भी ऐसे सर्च करते रहेंगे तो आपके यहाँ भी ऐसे ये दिखती रहेंगी, ठीक है? सो चलिए नीचे चलते हैं. यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर रिमोट, एमएनसी, एचआर, फ्रेशर, इंजीनियरिंग और बहुत सारे प्रोफाइल. जो भी आपका डोमेन हो, जो भी आपका प्रोफाइल हो, वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. मैं यहाँ बताने वाली हूँ कुछ एचआर की जॉब्स. तो चलिए ये हो रहा है और आ रही हैं कुछ जॉब्स और देखते हैं क्या होता है. कुछ अच्छी जॉब्स आ सकती हैं. देखिए लेफ्ट में देख लीजिए, यहाँ ना फिल्टर्स अप्लाइड हैं पहले से, क्योंकि मैं यही जॉब्स ढूंढती हूँ इस वजह से. यहाँ पे देखिए 0 ईयर्स का मतलब फ्रेशर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? ये आप फिल्टर्स लगा सकते हैं. आप फिल्टर्स हटा के जो भी आपका डोमेन, आपका प्रोफाइल हो, वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे प्रोफाइल्स मेंशन हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मेंशन हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मेंशन है, ठीक है? टाइप ऑफ लाइक सेल्स एंड बिजनेस है, नीचे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फूड बेवरेज एंड हॉस्पिटैलिटी है, कंसल्टिंग है, फाइन. तो ये डिपार्टमेंट में से आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने कर दिया और देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मुझे एक अच्छी सी जॉब दिख रही है. इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का मेरा बहुत मन है. ये है एचआर रिक्रूटर वॉल्यूम बल्क हायरिंग सीज फायर से. तो बिना डिले करे ना इसे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है. ये ओपन हो रही है. इतने में आप एक काम तो छोटा सा कर ही सकते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए. बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, यस बहुत बार रिक्वेस्ट आ रही है, बार बार मैम जॉब्स बताएं, जॉब सर्च नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सर्च करें, कैसे रीड करें जॉब डिस्क्रिप्शन, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट किया जाएगा जब हम ज्वाइनेंगे कंपनीज में, फाइन. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे. एचआर रिक्रूटर, मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, पता है ये देखते ही भागिएगा मत कि भाई अब हम सर्च करने पहुंच जाए, हमने सब कुछ सुन लिया. छोटी छोटी टिप्स जिनके बारे में मैं आपको हर जॉब के सेशन में बताती हूँ वो मैं आज भी बताऊंगी. तो प्लीज़ पूरा सेशन ज़रूर देखें. कुछ नहीं जा रहा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगी, ट्राई करूंगी कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो. चलिए एचआर रिक्रूटर वॉल्यूम बल्क हायरिंग सीज फायर से 0 to 4 years, 0 जहाँ भी लिखा है वहाँ फ्रेशर्स एप्लीकेबल होते हैं. फाइन पैकेज मेंशन है, न्यू दिल्ली की है इसलिए मैंने सोचा यार कर दूं. पोस्टेड जस्ट नाउ, जॉब एप्लीकेंट्स बहुत कम हैं. जॉब एप्लीकेंट्स देखकर वैसे भी कभी ना डरे, मैंने हमेशा बोला है आपसे जॉब एप्लीकेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं होते हैं. कोई भी, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं देखते ही जॉब्स को कि शायद कहीं से कॉल आ जाए, शायद कहीं हमारा हो जाए, ठीक है? तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप फॉलो करते हैं इसमें, तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें, जॉब एप्लीकेंट्स ना देखें. चलिए जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं. पूरा रीड करने तो नहीं करूँगी मैं, आपको बीच बीच में से बताती हूँ. आप पूरा रीड ज़रूर करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. ऑब्वियसली जब तक मैन पावर रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझेंगे तब तक कैसे जॉब फिल करेंगे, वैकेंसी कैसे फिल करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज सोर्सिंग द रिलेवेंट प्रोफाइल्स फ्रॉम वेरियस पोर्टल्स और सोर्सेज. ऑब्वियसली सोर्सिंग करनी है. सोर्सिंग के बारे में हम एक्टिव जॉब सीकर और पैसिव जॉब सीकर्स को कैसे सोर्स करते हैं इसके बारे में सेशन बने हुए हैं एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में. मैं ना पिंड कमेंट में बहुत सारे सेशंस डाल दूंगी, प्लेलिस्ट डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे सेशंस, ठीक है? तो वहां से आप जरूर चेक कर लीजिएगा. एक्सटर्नल रेफरल पोर्टल, कैंपस कॉन्टेक्ट कन्वर्जन, राइट? नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग द सोर्स प्रोफाइल एंड टेकिंग फेस टू फेस इंटरव्यूज ऑफ कैंडिडेट्स इन पाइपलाइन. स्क्रीनिंग कैसे करते हैं और कंडक्ट कैसे करते हैं इंटरव्यूज पे भी सेशन बना हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. कोई भी सेशन नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं. स्पेशली मैं यहाँ पर हर पॉइंट पे आपको बताती हूँ कि ये सेशंस बने हुए हैं इसलिए क्योंकि अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप यहाँ पे स्टक हैं इन चीज़ों को लेकर, अगर आप जॉब्स में हैं तो ये सब सेशंस बने हुए हैं, आप अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं. लाइनिंग अप कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स एंड रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स लाइन अप होंगे. इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना, अचीविंग एंड एक्सीडिंग द सेट हायरिंग टारगेट्स, कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स, मस्ट बी
मस्ट बी गुड इन नेगोसिएशन स्किल्स, नेगोसिएशन पर भी एक सेशन बना हुआ है, मस्ट हैव डन बल्क हायरिंग फॉर बीपीओज एंड कॉन्टैक्ट सेंटर, राइट। अब इसमें जो ये जीरो ईयर्स वाला एक्सपीरियंस है ना, इसमें अगर आपका ये नहीं भी होगा और आपको नॉलेज होगी ना इसकी, तब भी आपका हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए। इसलिए वरिड ना हो, ज़रूर इसमें जाएं, एटलीस्ट यार पता तो चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक मेरा और रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप ऐसे इंटरव्यूज़ में जाते हैं ना यार, प्लीज़ आके थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि भाई हम गए थे, क्या हुआ और क्वेश्चंस क्या थे, किस टाइप के थे, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है यार। हेल्प सी हो जाती है, पता भी चल जाता है ना कि क्या क्या हुआ, ठीक है। चलिए, विलिंग टू कम विद अ टारगेट ओरिएंटेड एरिया इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ हायरिंग गिवन फॉर अ मंथ, मैनेजिंग कोऑर्डिनेशन, मास हायरिंग एंड इनिशियल स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडिडेट मस्ट हैव बल्क हायरिंग एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन, फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं स्टिल कहूँगी, ये बार बार बोल रहे हैं आपसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें, फॉल हो इसमें, आपको पता चलेगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा यार, पहली जॉब तो वैसे भी नहीं लगती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सपीरियंस ज़रूर लें जिससे कि पता चल पाए कि क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स में 5.5 डेज वर्किंग, ठीक है, मतलब हाफ डे मिलेगा एक और 5 दिन पूरे होंगे। रोल है रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फुल टाइम एंड रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे ड्राफ्ट होता है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आप HR बनेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन ना कभी ना कभी आपको करना ही करना पड़ेगा ड्राफ्ट, ठीक है, तो इसको ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद एजुकेशन देखिए, एनी ग्रेजुएट, राइट, और की स्किल्स, एनी ग्रेजुएट, और की स्किल्स में क्या मांग रहे हैं भाई, रिक्रूटमेंट, HR ऑफिसर, स्क्रीनिंग, मास हायरिंग, सोर्सिंग, HR इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन, HR रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, बल्क हायरिंग, शॉर्टलिस्टिंग, सीनियर एग्जेक्टिव। यार ये एक्विजिशन जो है ना, टैलेंट एक्विजिशन, ये मैं ना हमेशा ही गलत बोल देती हूँ, प्रोनाउंस कर देती हूँ। किसी ने मुझे ना कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि यार सब कुछ तो सही है बट प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, तो ये हो जाता है मुझसे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अब इस जॉब को, आप और अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे सेशंस मेरे पास बने हुए हैं, कुछ क्वेरी आती है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए किसी और जॉब को देखें क्या, यहीं पे चलते हैं वापस और भी जॉब्स देखते हैं। कोई इंटर्न वगैरह की जॉब देखूँ क्या, यहाँ पे ये आप जॉब्स चेक कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। एक चीज़ मैं कह रही हूँ, मैं जॉब्स को प्रमोट नहीं करती हूँ, तो आप ये ना सोचेंगे मैं किसी जॉब किसी कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक पर्पस होता है, आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं इस पर, और दूसरा किस पे, दूसरा होता है जॉब्स को रीड कैसे किया जाता है, मतलब जो जॉब पोस्टिंग्स होती है उन्हें कैसे रीड किया जाता है, और हम कैसे लर्न कर सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं कि जॉब ड्राफ्टिंग कैसे होती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसे ड्राफ्ट होते हैं। तो ये कुछ मेरे मेन पर्पस होते हैं, तो ये नहीं होता कि मैं चाह रही हूँ कि मैं उसे किसी को प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करने के बाद आपको खुद से रिसर्च ज़रूर कंपनी की करनी होगी, वो ही बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जॉब्स दी हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ कुछ मैं कर चुकी हूँ, कुछ कुछ मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ तो मुझे कुछ ऐसी नई लग रही हैं। इंटर्नशिप की कुछ देखें क्या, चलिए यहाँ से कुछ आज सर्च करते हैं, ये तो HR फ्रेशर वगैरह आ रहा है, यहाँ पे इंटर्न की देखें, इंटर्न देखते हैं, इंटर्नशिप, HR इंटर्नशिप चेक करें, बस इंटर्नशिप ही चाहिए यार मुझे, चलो इंटर्नशिप की चेक करते हैं, सर्च करें इंटर्न की कोई जॉब, इंटर्नशिप में कौन कौन सी आ रही हैं, आ रही हैं बहुत सारी आ रही हैं, इंटर्नशिप, HR इंटर्नशिप, ये भी आ रही है, और देखते हैं आप भी खुद से सर्च करके ना ऐसे देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स इंटर्न की आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बजाज अलायंस और करियर मिशन, यहाँ पे और भी आ रही हैं, HR रिक्रूटर, पार्थ ग्रुप, HR रिक्रूटर इंटर्नशिप, ये भी हम चेक कर सकते हैं यार, चलो ये देखते हैं, ये भी एक आ रही है, इसको भी हम ओपन करके देखते हैं। देखिए ऐसे ही ओपन कर करके आप चेक करेंगे, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे, सीख पाएंगे जॉब्स में कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये ओपन हो रही है, तो ये ओपन हो गई है, ये है HR रिक्रूटर इंटर्नशिप पैन इंडिया, और कहाँ से है ये, RMW से है, 2 years, 0 to 2 years, नॉट डिस्क्लोज, नोएडा दिल्ली,
फ्यूअर्स अगो और जॉब एप्लीकेंट्स इतने हैं, इसको देख के ना डरें, अगेन वही कह रही हूँ मैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्केड्यूलिंग इंटरव्यूज ऑन कॉल, ब्रीफिंग कैंडिडेट्स बिफोर एंड आफ्टर इंटरव्यूज, पोस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन जॉब पोर्टल्स एंड ट्रैकिंग पोस्टिंग स्टेटस, इंटर्नशिप फॉर 6 मंथ्स एंड स्टाइपेंड इसमें मेंशन है कितने रुपीज मंथ मिलना है, ठीक है। तो ये रिक्रूटर की इंटर्नशिप है, अगर आपका ड्रीम है रिक्रूटर बनना और इंटर्नशिप आप चाहते हैं और आप ये चाहते हैं यार कुछ अमाउंट भी मिले, कम से कम आने जाने का थोड़ा सा किराया तो निकल ही जाए, तो यहाँ पे ये स्टाइपेंड भी पे कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अनपेड इंटर्नशिप्स भी बहुत होती हैं, यहाँ पे ये पे कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में ज़रूर जाएं, रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट, कितनी अच्छी बात है देखिए, ठीक है। फाइनल ईयर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट, मस्ट हैव गुड स्पोकन इंग्लिश, मस्ट हैव गुड टाइपिंग स्पीड, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, पर जेन्युइननेस और सारी चीज़ें ये आपको खुद से देखनी है और अप्लाई करके देखिए प्रोसीजर में क्या क्या होता है, ठीक है। रोल में रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज फुल टाइम एंड रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, एजुकेशन, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, और की स्किल्स में टेलीफोनिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स, शॉर्ट लिस्टिंग, वॉल्यूम हायरिंग, कन्विंसिंग पावर, कॉर्पोरेट एचआर, सीनियर एचआर, स्क्रीनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आइडिया जनरेशन, मास हायरिंग, बिजनेस एचआर, बल्क हायरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए कहीं पर भी हमें कहीं फीस नहीं पे करनी होती है, नॉर्मली आप जाएंगे अप्लाई करेंगे, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, इंटरव्यू प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें होके आपको आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं जहाँ पर फीस वगैरह पे हो रही हो, कुछ ऐसे तरीके का हो, तो प्लीज़ ज़रूर अपने आप से चेक कर लें, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ों को। तो ये तो हो गई यहाँ की बात, और चलिए आई थिंक आज के लिए बहुत है, एक तो हमारी एक और एक प्रोफाइल हम पहले देख चुके हैं और यहाँ पे और भी आप चेक कर सकते हैं, ये तो बहुत पुरानी हो गई हैं, रेलेवेंस डाल के आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए हम मैं ऊपर आती हूँ, ऊपर आके यहाँ पे चेक करें अगर रेलेवेंस में, तो यहाँ पे ना डेट से कर सकते हैं, डेट से क्या होगा जो अभी रिसेंटली पोस्टेड होंगी ना वो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आ रही हैं, यहाँ पे और भी आ रही हैं, तो आपने भी चेक कर सकते हैं। MBA फ्रेशर देखिए क्रिसल की भी आ रही है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड, ये भी इंटर्नशिप है, ठीक है। ये शायद और किसी प्रोफाइल के लिए है, HR नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये। चलिए आई होप सो दिस वॉज हेल्पफुल, इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।